साहित्य सूत्र में आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के अमरपाड़ा से निकले युवा कवि लेखक डॉक्टर सुधीर आजाद, जिनके फिल्मी सफर और लेखन की शुरुआत काफी दिलचस्प रही। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से लिखावटों का सिलसिला शुरू हुआ और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा, और इसके पड़ाव रहे भोपाल, अलीगढ़, दिल्ली, पुणे, मुंबई और दुबई। शॉर्ट फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स ने उन्हें वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। लगभग 71 देशों के फिल्म फेस्टिवल में उनकी फिल्म पहुंची। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर सुधीर आजाद से। नमस्कार मित्रों, साहित्य सूत्र में आज हम प्रदेश की प्रतिभा डॉक्टर सुधीर आजाद से बातचीत करेंगे। हाल ही में उनका एक कविता संग्रह नदी मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगा प्रकाशित हुआ है। सुधीर जी ने इसमें नदी को कई रूपों में देखा है और नदी से एक संवाद किया है कविता के माध्यम से, और ये संविधा उनकी जीवन यात्रा का भी एक रिफ्लेक्शन इसके अंदर दिखता है। तो आइए हम बात करते हैं सुधीर आजाद जी से। आपने इस कविता संग्रह का जो शीर्षक रखा है नदी मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगा, तो मुझे लगता है इसमें एक संकल्प है। हाँ यकीनन। और ये संकल्प व्यवहार में कैसे परिणत होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये उस पीड़ा को भी दर्शाता है कि नदियां हमसे दूर होती चली जाएं, नदियां खत्म होती जा रही हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई आने वाला जो विश्व युद्ध शायद पानी पर ही होगा, पानी कम होता जा रहा, नदियां सूखती जा रही हैं। और अभी तो हमने इंग्लैंड तक में देखा कि वहां पर टेम्स नदी सूख गई बीच में, तो हमारे यहाँ तो स्थिति और भी गंभीर है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि दरअसल नदी को ले, नदी आपको इतना हॉन्ट क्यों करती है? मेरी स्मृति में मुझे सबसे जो गहरी लगती है वो नदी लगती है। और मैं अभी हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म कर रहा था, पानी नहीं है, पिछले 4 साल से मैं उस पर रिसर्च कर रहा था। तो इस दौरान मेरी जो सारी नदियों को लेकर, पानी को लेकर, जैसे आपने भी एक जिक्र किया, मैं वहाँ से कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा, तो मुझे उससे भी भया हुआ मंजर नजर आता। मुझे लगता है कि लोग प्यासे पानी में डूब के मर रहे होंगे, हमारे पास पानी होगा लेकिन पीने का पानी नहीं होगा। तो जब मैं ये डॉक्यूमेंट्री कर रहा था तो मेरी जो सारी तथ्यात्मकता थी, सारी प्रामाणिकता थी, तो वो तो डॉक्यूमेंट्री के फॉर्मेट में आ गई, लेकिन मैं अपनी संवेदनाएं कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कसमसा रही हैं, वो रह गई हैं। और हम जड़ों से ही खींचते हैं हमारा सब कुछ, तो कहीं अंतस में कहीं ना कहीं था। और नदियां सारा कुछ जो मेरा रिसर्च के दौरान मैंने अनुभूत किया था, एक नदी को अलग अलग नज़रिए से देखना, अलग अलग किस्म से बात करना, ये सब कुल मिला के ये किताब आ गया। और मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि जितनी सूखी नदियों से मैं चला, जिन सूखी नदियों के रास्ते पर मैं चला, शायद उसका कोई एक बूंद पानी मेरे भीतर रह गया होगा, वो ये किताब है। आप जिस जिले से आते हैं छिंदवाड़ा जिला, तो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है बाकी, और उस जिले के अंदर भी करीब 15-16 नदियां बहती हैं। आपने गंगा पे लिखा है, आपने अनुमा पे लिखा है, और एक दो नदियों का और भी जिक्र अभी कविता संग्रह के अंदर है। छिंदवाड़ा जिले की किसी नदी पर आपने क्यों नहीं लिखा है? मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ। पैच नदी हमारे आसपास जाती थी, मैंने उसका नाम जानबूझ के इसमें नहीं लिखा, पर मैंने कविता उसी, वही एहसास था मेरे अंदर, वो अनुभूति थी। मैंने लिखा कि जब मैं छोटा था नदी डराती थी मुझे अपने तेज बहाव से, अपनी ऊंची ऊंची लहरों से, अपने बड़े बड़े किनारों से। मैं तैरकर भी नदी पार नहीं कर पाता था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ, नदी छोटी हो गई है, मैं उसे चलकर पार कर लेता हूँ। तो ये यहाँ बड़ा होना शर्मिंदगी का एहसास कराता है, ऐसा लगता हम छोटे थे तो बेहतर थे, कम से कम हमारे अंदर एक जो भी था, समझ कम थी पर इंसान तो था। तो ये बड़ा होना कैसा बड़ा होना है? बड़ा होना है कि हम अपनी जड़ों से दूर हो गए। ये बड़ा होना कैसा बड़ा होना है कि हम अपने रंग को भूल गए, अपनी अपनी तासीर को भूल गए, हम उसको भूल गए जो हमारा मानी है। तो ऐसी कई कविताएं हैं जो अलग अलग पहलू से टच करती हैं। आपकी कविता नदी बहती है, उसमें आपने कहीं लिखा है कि नदी में कविता रहती है, यहाँ नदी को आपने कविता माना और कविता में नदी को देखा है। इसके हट करके आपने देखा कि कविता केवल दर्द से नहीं जन्मी, नदी के रूप में जन्मी है, तो ऐसा क्यों है? मैं दर्द को यहाँ संवेदना कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है। और संवेदना में अपनी किस्म की एक वेदना होती है, और वो किसी के दर्द से जुड़ती है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। मैंने नदी को इसीलिए यहाँ पे
कविता का प्रतीक माना कि वाकई आज कविता अपने जिन भावों और उद्देश्यों के साथ अस्तित्व में थी, क्या आज वाकई इतनी प्रासंगिक है? मैं मानता हूं कि एक एक एक, एक, एक खामोश व्यक्ति की आवाज कविता है। मैं मानता हूं कि जहां पे शोर ना हो रहा हो वहां पे एक आवाज उठ जाए वो कविता है। तो वाकई कविता का जो अस्तित्व था या है या होने वाला है, ये नदी के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए। मैंने एक जगह लिखा है कि हम किस काल में कितने मनुष्य थे, यदि यह जानना है तो उस काल की नदियों को देखना। तो मैं एक कविता को भी इसी संदर्भ में लेता हूं कि किस काल में कैसी कविता रची जा रही थी, ये जानने के लिए उस काल की नदियों को देखना। नदी का जन्म पर्वत से होता है जी। नदी पर तो आपने कविताएं लिखी हैं, लेकिन क्या नदी के जन्मदाता पर भी कभी सोचा है? मेरे पूरे रिसर्च में संदर्भ तो नदी ही था, और मैंने, जैसा आपने कहा कि मैंने बहुत सारे आयामों से उसे देखा है, बहुत सारे नज़रिए से उस पर कहने की कोशिश की। कहीं वो बेटी लगती है, कहीं वो माँ लगती है, कहीं वो देवी लगती है, कहीं वो प्रेमिका लगती है। तो ये सारे संदर्भ मैंने लिया है। एक और कविता मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने कहीं लिखा है कि एक कविता में आप नदी को लापता लड़की की देह की तरह जी नदी और लड़की की तुलना की है, इसके पीछे क्या वजह है? कितने किस्से तो पढ़ते हैं हम रोज, कि जैसे रोज नदियां घूम रही हैं वैसे कई मर्तबा हम सुनते हैं कि लड़कियां घूम जाती हैं। दर्द दर्द से उपजता है, दर्द दर्द को खींचता है। मुझे लगता है कि हम सब में अगर कुछ कॉमन है तो वो दर्द है। मेरी और आपकी खुशी की वजह अलग हो सकती है, लेकिन दर्द एक सा है सब में। तो यहाँ पे नदी बिंब थी जो दिन ब दिन सूखते सूखते लुप्त हो गई, और वो जो एक लड़की जो घूम गई थी वो भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, लेकिन एकदम से वो लुप्त हो गई, वो घूम गई, वो लापता हो गई। और एक समय उस लड़की की, लापता लड़की की नंगी देह नदी की सूखी देह में मिली। तो ये एक यथार्थ को का चित्र मैंने खींचने की कोशिश की है। कि कुछ पंक्तियां हैं, जब रात होती है और कोई घाट पर नहीं होता तो नदी रुक जाती है, घाट बहने लगता है। अद्भुत पंक्तियां हैं ये, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ घाट बहने से क्या आशय है एक्चुअली? मुझे लगता है कि जैसे दिन भर थककर बच्चा जब शाम को अपनी माँ के पास आता है तो वो बहुत कम वक्त में बहुत सारा कुछ कहने लगता है, और जब वो बहुत सारा कुछ कहने लगता है तो वो दिन भर की दौड़ का थका हुआ बच्चा बैठ जाता है, और वो जो माँ होती है, माँ उसके हिस्से का सफ़र चलने लगती है। तो मैंने यही महसूस किया कि एक नाव जो दिन भर बेतरतीब से उस सफ़र में रहती है जो सफ़र कभी उसके हिस्से का है ही नहीं, मतलब अगर एक नाव अगर कभी कह सके तो वो कहेगी कि वो उम्र भर सफर में रहती है मगर वो कभी पहुंच नहीं पाती कहीं। तो वो मैंने चित्रित उसको वैसे किया कि जब रात होती है और कोई घाट पर नहीं होता तो मंदिर अपना सब कुछ लेकर नदी की तह में उतर जाता है। जब रात होती है और कोई घाट पर नहीं होता तो नावें घाट पर आके रुक जाती हैं और नदी घाट पे आकर रुक जाती है और घाट बहने लगता है। तो ये सारे ऐसे संदर्भ मैंने कहा है, इन सारे संदर्भों को लेके मैंने बात की है, और कोशिश ये की है कि कैसे और किस तरह से इसमें ये मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा, नदी भी एक जीवन है और घाट का भी एक जीवन है। बिल्कुल। तो आपका मतलब ये था घाट का जीवन, नदी भले ही रुक जाए लेकिन घाट का जीवन नहीं रुकता है? मुझे लगता है घाट को पोषित करती है नदी, और घाट दिन भर जैसे घर में एक माँ होती है उसके बच्चे होते हैं, वैसे ही नदी के आसपास अपनी सारी दुनिया होती है, और उस दुनिया में वो घाट में मुझे लगता है वो नदी का बेटा है। एक जगह और आपने लिखा कि नदी अकेले नहीं मरती है जी, इसका मतलब एक नदी मरती है या नदी का खत्म होना एक संस्कृति का खत्म होना है, सभ्यता का? यकीन। आपने लिखा कि नदी का मरना हमारे आज की मौत है, नदी का मरना हमारे कल का काल है। थोड़ा इसको डिफाइन करें? हाँ नहीं जरूर। एक कविता है, इसमें आप देखेंगे कि एक नदी कभी अकेले नहीं मरती है, इसी एहसास की कविता है। इसका ये दो भागों की कविता है, मैं दूसरा भाग आपको सुनाता हूँ, यकीनन आप पहुँच जाएंगे वहाँ तक कि नदी कभी अकेले नहीं मरती। एक नदी के मर जाने से पनिहारिन का प्रेम मरता है, एक नदी के मर जाने से नदी की संगनी मरती है और पनिहारिन की आत्मा सूख जाती है। एक नदी के मर जाने से पनिहारिन के सपने मरते हैं, उसके सजने का कारण मर जाता है। लेकिन जब हमें सूखती हुई नदियां, तड़पती हुई बस्तियां, सूखे हुए कुएं, मरती हुई फसलें नजर नहीं आती तो हमें एक पनिहारिन का प्रेम कैसे नजर आएगा? इसलिए यह कहना बेहद लाजमी है कि एक नदी का मर जाना सिर्फ एक नदी का मर जाना है।
तो ये एक उसका संविदात्मक पक्ष है, लेकिन मुझे लगता है कि एक नदी के मर जाने के सूख जाने से, उसे खत्म हो जाने से उसके आसपास का पूरा सौंदर्य, उसका पूरा जीवन मर जाता है। जैसे एक टुकड़ा है सर, इसमें आप देखेंगे कि बाणगंगा पहले नदी थी, अब बाणगंगा एक चौराहा है। मैं बाणगंगा के चौराहे के चारों रास्तों से मीलों का सफर तय कर चुका हूं, लेकिन कोई भी रास्ता मुझे बाणगंगा नदी तक नहीं ले जाता। बाणगंगा पहले नदी थी, अब चौराहा है। हाँ, ये इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा मैं कि दरअसल इस बाणगंगा नदी पे कभी डैम बनने वाला था, उसका शिलान्यास का पत्थर जहाँ मैं रहता हूँ ना उसी इलाके में अभी भी गड़ा हुआ है। कितना, और ये करीब है 50-60 साल पहले की बात रही होगी, कितना बड़ा हादसा है। डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा ने उसका शिलान्यास किया था, वो पत्थर अभी भी किसी बंगले के कोने में गड़ा हुआ है, और वो शायद उसके बाद वो नदी जो है नाला बन गई, नाला बन के बाद फिर वो भी उसको भी पूर दिया गया, और अब तो वो बाणगंगा बस्ती है जिसमें हजारों लोग उसके अंदर रहते हैं, और वो प्लेन हो चुका है। तो खैर, अब ये त्रासदी की कविता है जो आपने अभी पढ़ी है, दरअसल तो ये तो मतलब अपने सामने की घटना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने लिखा कि गंगा एक सांस्कृतिक दस्तावेज है, गंगा में हमारा सारा भारतवर्ष दर्ज है, तो ये सांस्कृतिक दस्तावेज का थोड़ा सा इसकी व्याख्या करें। देखिए, मुझे लगता है जब मैं सांस्कृतिक दस्तावेज कहता हूँ तो संस्कृति के वो सारे पहलू उसमें आते हैं जो हमारी सांस्कृतिक, हमारे सांस्कृतिक बोध को सामने लाते हैं, हमारे हमारी संस्कृति को सामने लाते हैं। मैं एक छोटा सा एक जिक्र आपसे कर रहा हूँ इस सिलसिले का कि मैं जब दुबई में था और मैंने जब मैं मेरा एक दोस्त है वहाँ जेम्स जो US से है, जब मैंने उससे भारत के बारे में बात की तो उसने मुझे दो संदर्भ दिए, पहला बनारस और दूसरा ताजमहल। जब वो बनारस की बात कर रहा था तो मैंने कहा जब आप बनारस को देखते हो तो कैसे देखते हो, तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान का सिर्फ एक चित्र दिखाया जाए तो वो बनारस है। तो जो गंगा नदी और उसके किनारे का जो पूरा सौंदर्य है, मतलब वहां जीवन का भी सौंदर्य है और वहां मृत्यु का उत्सव भी है। अब आप बताइए कि अगर एक माँ अपने तट पर जीवन के प्रारंभ से लेके उसके अंत के सौंदर्य को भी रखे बैठी हो तो इससे बड़ा संस्कृति बोध क्या होता है, क्या हो सकता है। एक ऐसी संस्कृति के लिए जो विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है, एक ऐसी संस्कृति के लिए जो वाकई सिर्फ जीवन की यात्रा को महत्व नहीं देती बल्कि वो मृत्यु की यात्रा को भी उत्सव के रूप में मनाती है, तो मुझे लगता है कि इस संस्कृति का इससे सुंदर चित्र नहीं हो सकता, इसलिए मैंने उसको सांस्कृतिक दस्तावेज कहा। एक आखिरी सवाल करूंगा कि आपने कहा कि नदी बहती रहनी चाहिए, नदी को बचाना है, और ये आपने ये भी लिखा कि नदियाँ बनाई नहीं जा सकती, तो नदियाँ तो स्वतः होती हैं, होती हैं, उत्पन्न होती हैं मतलब, लेकिन क्या ये जिस सभ्यता के जिस अंधी दौड़ में हम दौड़ रहे हैं सब लोग, तो उसमें क्या सही में नदियों को बचाना संभव है? देखिए, मुझे अपनी चार पंक्तियाँ याद आ रही हैं, मैं सुनाता हूँ कि अनुशासित क्रमबद्ध पतझड़ से मधुमास बदलते देखा है, अनुशासित क्रमबद्ध पतझड़ से मधुमास बदलते देखा है, संयम के बल पर यौवन का विश्वास बदलते देखा है, और निस्वार्थ सेवा भावना से नदी के आज को बदलना क्या मुश्किल, हमने संकल्पों के बल पर युग का इतिहास बदलते देखा है। तो मैं इंसान हो जाऊं बस, हम जो मनुष्य हैं मनुष्य रहे आए बस, और नहीं तो अंतिम विकल्प इसका यह है कि प्रकृति संतुलन करना जानती है, प्रकृति बहुत आसानी से अपने फैसले सुना देती है, और उस समय हमारे पास विकल्प नहीं होते, सिर्फ अंतिम विकल्प और एकमात्र विकल्प होता है उसको मान लेना। तो अगर हमने ये संतुलन कर लिया तो कहीं ना कहीं सृजन बचा रहेगा, लेकिन प्रकृति अगर करेगी तो फिर नव सृजन होगा, ये सारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा, इस बातचीत के लिए सुधीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, नदियों को लेकर हमने आज युवा प्रतिभाशाली कवि डॉक्टर सुधीर आदर्श से बहुत विस्तार से बातचीत की, नदियों को अलग अलग रूपों में देखा, समझने की कोशिश की, उनसे संवाद का प्रयास किया। साहित्य सूत्र में आज यहीं तक, अगली बार फिर किसी नई प्रतिभा के साथ हम मुखातिब होंगे। धन्यवाद। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र।
आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।